गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड चैप्टर ऑफ सिविक्स, फेडरलिज्म, संघवाद. द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स यूनिट्स लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स. To understand the concept of federalism, we just take example of Belgium and Sri Lanka of chapter 1st, power sharing, in which Belgium converted from unitary to federal form of government because it provided equal rights to its states, while Sri Lanka did not provide power to the states. So we can say that Belgium is a federal country and Sri Lanka has a unitary form of government. अर्थात बेल्जियम ने अपने स्टेट्स को राइट्स प्रोवाइड करके उसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया, जबकि पहले वहाँ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती थी. लेकिन ठीक इसके उल्टा श्रीलंका ने अपने राज्यों को प्रोत्साहित नहीं किया और वह एकात्मक शासन प्रणाली से एकात्मक शासन प्रणाली में ही रह गया. वहाँ के स्टेट्स जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट के रूप में काम करते हैं. उनके पास डिसीजन लेने की अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है. भारत के संबंध में, अगर हम भारत के संबंध में बात करें, तो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री. इनिशियली इंडिया हैड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहते हैं. तो शुरुआत में हमारे पास सरकार के दो लेवल्स थे, लेकिन 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अंतर्गत हमारी सरकार में एक लेवल और ऐड हो गया, जिसे पंचायती राज सिस्टम कहते हैं. यह 73 अमेंडमेंट 1992 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और 24 अप्रैल 1993 से इसे हमारे देश में लागू कर दिया गया. हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले अधिकृत करने वाला प्रदेश आंध्र प्रदेश है. नाउ टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, we should just see the key features of federalism. The first key feature of federalism is two or more levels. That means जिस देश में संघात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ दो या दो से अधिक लेवल की सरकारें वर्क करती हैं. एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में तीन लेवल की सरकारें, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट की सरकारें काम करती हैं. सेकेंड, सेम सिटीजन डिफरेंट ज्यूरिस्डिक्शन, यानी इंडिया लेवल पे एक सरकार जो काम करती है उसके अंतर्गत सारे स्टेट्स के, सारे जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में, वे सब नागरिक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और पर्टिकुलर स्टेट्स के नागरिक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र अलग अलग होता है. दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में एनक्रोच नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते. नाउ द थर्ड फीचर, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, दैट मीन्स द राइट्स विच आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, we can say by the constitution, that cannot be withdrawn by the central government. That means वहाँ जहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है और राज्यों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उन अधिकारों का एक संवैधानिक आधार होता है और उन अधिकारों को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं कर सकती है. नाउ कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट, दैट मीन्स फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ वर्क करती है
उस देश में कोर्ट्स होते हैं और कोर्ट्स उनके अधिकार क्षेत्र में हमेशा इंस्पेक्शंस करते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, अपने ग्लैंस को वहाँ डालते रहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप न कर पाए। इसके लिए जो हमारे देश में कोर्ट्स की हायरार्की है, लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट और यूनियन लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज्ड, अर्थात संविधान में जो मूल प्रोविजंस हैं, जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, उनको इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अर्थात अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रोविज़न को, जो फंडामेंटल प्रोविज़न है, उसे चेंज करना चाहती है, तो इसके लिए लोकसभा, राज्यसभा और कुल राज्यों में आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। नाउ सोर्स ऑफ रेवेन्यू आर स्पेसिफाइड, अर्थात भारत में राज्यों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्राप्त है। यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी स्टेट्स को प्राप्त है, मीन्स कि जो रिसोर्स हैं, जो रिसोर्स हैं जिनके माध्यम से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, वो स्पेसिफाइड है। अलग अलग उसके एरियाज हैं, वहाँ कोई एक दूसरे के एरिया में इंटरफियर नहीं कर सकता है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल फीचर ऑफ फेडरलिज्म, ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल यूनिटी एंड रीजनल डाइवर्सिटी। इसका मतलब यह कि हमारे देश में जो मुख्य रूप से जो दो तरह की सरकार है, दो लेवल की सरकार है, एक यूनियन लेवल और दूसरा रीजनल लेवल या स्टेट लेवल, तो इसमें लोगों के पास एक तो सबसे पहले व्यक्ति एक देश का निवासी है जो भारतीय है, इंडियन है, तो उसके पास नेशनल यूनिटी है, और दूसरा रीजनल डाइवर्सिटी, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबकी अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, परंपराएं हैं, लेकिन उन परंपराओं के निभाने में भी संविधान के द्वारा स्वतंत्रता दिया गया है, तो वहाँ रीजनल डाइवर्सिटी भी मेंटेन की जाती है जहाँ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट काम करती है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।